गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है क्वेरीज एंड रिपोर्ट। एमएस एक्सेस में हम क्वेरीज एंड रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सम बेसिक फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेस। वी कैन यूज इट टू क्रिएट टेबल इन आवर डेटाबेस। हमने टेबल बनाना सीखा था, फॉर्म बनाना सीखा था। एक्सेस ऑफर यू आर यूनिक फीचर टू क्रिएट क्वेरीज दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले सम सिलेक्टेड डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल और मोर देन वन टेबल। व्हेन यू क्रिएट अ क्वेरीज इन एक्सेस, यू आर डिफाइनिंग स्पेसिफिक सर्च कंडीशन टू फाइंड एग्जैक्टली द डेटा यू आर लुकिंग फॉर। अब क्वेरीज क्या? क्वेरीज इज अ वेरी पावरफुल एज कंपेयर टू सिंपल सर्च और फिल्टर यू मे यूज टू फाइंड डेटा विद इन अ टेबल। ऑल क्वेरीज इन एमएस एक्सेस कैन ड्रॉ देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल सर्चिंग इन द क्लाइंट टेबल टू फाइंड द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर क्लाइंट, यू कैन रन अ क्वेरी टू फाइंड द नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ ऑल द क्लाइंट। ठीक है, अ वेल डिफाइंड क्वेरी कैन गिव इंफॉर्मेशन यू मे नॉट बी एबल टू लोकेट बाय सिंपल एग्जामिनेशन द डेटा इन योर टेबल। तो क्वेरीज में क्या है? ऑटो लुकअप क्वेरी, द क्वेरी सेंड इंफॉर्मेशन इन द टेबल ऑन योर बिहाफ। तो सेवन टाइप्स ऑफ आपकी क्या है? क्वेरीज है। पहली क्वेरीज है क्या है? ऑटो for all your record and the
table. Parameter query, make this query will need some information from you before it can show the table data sheet. तो ये थी हमारी 7 types की queries. तो you can use a query to get an answer to a simple question, perform calculation and to combine data from different table. Queries can also be used for adding, modify or deleting from table. तो queries को हम क्या modify, delete कर सकते हैं tables. तो ये थी 7 type की आपकी queries. Auto-lookup queries, action queries, cross tab, select queries, advanced filter, total summary or parameter query. Queries design. You can view the query design pane
एट द लोअर हाफ ऑफ द क्वेडी विंडो, क्वेडी विंडो के आगे हाफ में जो है पेन ओपन हो जाएगा। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट और रन योर क्वेरी फॉलो द स्टेप्स। क्या? क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, क्लिक ऑन रन। यू कैन सी द क्वेरीटेड शीट व्यू एज शो इन दिस फिगर। द डेटा शीट व्यू डिस्प्ले ऑल द सिलेक्ट फील्ड फ्रॉम द व्यू टेबल। अब हम कैसे क्रिटेरिया को सिलेक्ट करेंगे क्वेरीज। इन ऑर्डर टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 60, मान लो हमें स्टूडेंट्स देखने हैं जिन्होंने 60 स्कोर या 60 से ऊपर जो है वो स्कोर ऑब्टेन किया है। क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन फ्रॉम होम, सेलेक्ट डिजाइन व्यू, राइट 60 ग्रेटर देन इन क्रिटेरिया टेक्स्ट बॉक्स ऑफ मार्क ऑब्टेन। Click on design, click on run. You can see the query data showing record of only those students who scored 60 or 60 above. तो अब हमें क्या है, हम जो है इन दोनों जो tables है उसमें सिर्फ वही बच्चे क्या शो होंगे जिन्होंने 60 या 60 से above marks जो है obtain करें। ठीक है, अब हमें save करना है तो simple सी बात है, query by following the steps given here. क्लिक ऑन फाइल टैब, सेव ऑब्जेक्ट एज, सेव एज स्टूडेंट क्वेरी, और आप नाम देके इसको जो है सेव कर सकते हो। अब है क्रिएटिंग अ पैरामीटर क्वेरी। अब पैरामीटर जो क्वेरी है वो कैसे बनाएंगे, हो जाएगा। एंट्री यू डेटा एंट्री कॉन
ऑपरेटर पैरामीटर, पैरामीटर शो द रिजल्ट अकॉर्डिंग। अब उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पैरामीटर जो क्वेरी है वो क्या रिजल्ट शो कर देगा। 80, 90, 86 मतलब 80 से जिसके जिसके अबाव मार्क्स हैं वो सारे बच्चे क्या है इसमें शो हो जाएंगे। ठीक है, अब है शॉर्ट क्वेरी हम कैसे बनाएंगे।
record. You can click on the first record. You can click on the previous record. You can click on the next to view. You can click on the last record. और ये क्या है आपका, यू कैन क्लिक ऑन द न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करा सकते हैं। अब है रिपोर्ट कैसे बनानी है। Table can be obtained by a query. So,
जो है वो वर्क एरिया बोला जाता है. इट कैन यूज फॉर एंटरिंग द डेटा इन अ टेबल. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एडिंग एडिटिंग डिलीटिंग रिकॉर्ड है ना. टेबल डेटा शीट व्यू कैसे दिखाई देता है. डेटा शीट एंटरिंग डेटा बाय यूजिंग डेटा शीट. डेटा टाइप एंड देयर यूजेस जैसे टेक्स्ट है. टेक्स्ट में क्या है डेटा. क्या जो टेक्स्ट होता है वो क्या डेटा स्टोर करता है. नंबर अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर. और जो मेमो होता है वो क्या करता है. नंबर अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर. नंबर्स होते हैं तो नंबर्स ही करते हैं. डेटा टाइप डेट टाइम करता है. डेट और टाइम करेंसी नंबर करेगा. ऑटो नंबर नंबर इन सीक्वेंस गेट एंटर्ड बाय एमएस एक्सेस. यस और नो डिस्प्ले एस टेक्स्ट बुक. ओएलई ऑब्जेक्ट क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट बटन. हाइपरलिंक नंबर अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर. इट इज यूज्ड टू स्टोर वेबसाइट और ईमेल एड्रेस. अटैचमेंट क्या करता है. क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट बटन यानी के इट इज यूज्ड टू अटैच फाइल और डॉक्यूमेंट विद द रिकॉर्ड. अटैचमेंट मीन लेजर स्पेस. लुकअप विजार्ड क्या करेगा. स्टार्ट लुकअप विजार्ड. इट इज यूज्ड टू ऐड और ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फील्ड. आई बात समझ में. टेबल इन डिजाइन व्यू. तो ये सारी चीजें हमने प्राइमरी की इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी की क्या होती है. व्हेन यू सेव अ न्यू टेबल विदाउट सेटिंग अ प्राइमरी की. एक्सेस प्रमोट यू टू क्रिएट वन. यानी कि प्राइमरी की क्या हो गई. क्या होती है. यूनिक आइडेंटिटी होती है. इस रिकॉर्ड स्टोर इन अ टेबल इट कैन बी सेट अ प्राइमरी की. तो ये थे हमारे चैप्टर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें हमने फॉर्म्स बना ली. क्वेरीज टेबल रिपोर्ट्स ठीक है. ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए. एक्सटेंशन क्या होता है. एमएस एक्सेस का .accdb ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेस. हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना अलग अलग क्या होता है. एक्सटेंशन मतलब जो फाइल्स होती हैं वो इसी एक्सटेंशन में सेव होती हैं. ठीक है. आया समझ में. तो